नमस्कार भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एमडेन इन्फॉर्मेशन में। अगर भाइयों आपको आवाज़ सुनना से संबंधित हर एक अपडेट व जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल एमडेन इन्फॉर्मेशन को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भाइयों आवाज़ सुनना से संबंधित हर एक अपडेट और हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर डेली मिलती रहती है। तो चलिए भाइयों बात करते हैं पीएम आवास योजना के अंतर्गत इस बड़े अपडेट को लेकर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, यानी जैसा कि आप लोगों ने फोटो में देखा ऊपर कि पीएम आवास योजना का जो नया पंजीकरण का सिस्टम है वो अगले महीने से शुरू हो रहा है। जी भाइयों, पीएम आवास योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो अगले महीने से शुरू हो रहा है। अगर आप लोग वंचित हो चुके हैं आवास योजना से, या फिर भाइयों उतने लोगों का जिन भाइयों का लंबे समय से पैसा नहीं आ रहा है और उनका नाम भी नहीं पता चला है सूची में है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है सर जी आवास योजना की जो सूची है उसमें नाम ही नहीं है, या फिर नाम कैसे जुड़वाएं, या फिर ये भी रहता है कि मुझे लंबे समय से पैसा नहीं मिला, 2 साल पहले आवेदन किए थे, 3 साल पहले आवेदन किए थे। तो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, इस अपडेट को आप लोग ध्यान से सुनिए। और अगले महीने से नया रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, यानी नया आवेदन शुरू हो रहा है। इसका मतलब है भाइयों कि नया फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा अगले महीने से। तो आप लोग जाकर जितना जल्दी से हो सकता है अपने सारे डॉक्यूमेंट यानी डाटा को सही करवा लें। जैसे बहुत सारे लोगों का मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, और ध्यान से सुनिएगा, जो लोग आवेदन कर देते हैं और उनका पैसा नहीं आ पाता है तो उनकी बात ध्यान सुनिए, क्योंकि बैंक में नाम अलग हो रहा है, आधार में नाम अलग हो रहा है, इसको बहुत बारीकी से देखे जा रहा है। पहले नहीं था, पहले ऐसा कुछ नहीं था भाइयों, लेकिन इस बार बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। तो नया पंजीकरण जो है यानी नया आवेदन है उसके तहत अगर आप लोगों का नाम और आधार में नाम बैंक में नाम सेम होना चाहिए, इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा बड़ी सी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा उस सारी चीज़ें जो मैं क्लियर करूंगा आपको सभी डाउट को। लेकिन इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि पीएम आवास योजना का जो नया रजिस्ट्रेशन है वो अगले महीने से चालू हो जा रहा है। तो अगले पंजीकरण में आप लोग जाकर नया नया आवेदन करवाएं और अपना नया आवास योजना का लाभ लें। तो और भाइयों अगर आपको आवास योजना संबंधित जानकारियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलिएगा। धन्यवाद भाइयों।